हाय गाइस, वेलकम टू मिशांस एंड आई एम मिशा। सो गाइस, अभी जो हेल्थ पैंडेमिक चल रहा है, जिसकी वजह से ये लॉकडाउन हुआ है, ये लॉकडाउन सबके लिए बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा भी कोई टाइम आएगा हमारी लाइफ में जब हमें घरों में बिल्कुल बंद होना पड़ेगा। और ये ही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़रूरी भी है। अभी जितना हम घर पर रहेंगे उतना हम सेफ रहेंगे। सो गाइस, प्लीज़ घर पर रहिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़। एंड गाइस, घर पर रहकर भी हमें कुछ चीज़ों का ध्यान देना चाहिए, जिससे हम प्रोटेक्टेड रहें, सेफ रहें। सो गाइस, आज वीडियो में आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि हाउ टू स्टे प्रोटेक्टेड एंड सेफ ड्यूरिंग दिस टाइम, स्पेशली लॉकडाउन पीरियड। सो अपने आप को सेफ और प्रोटेक्टेड रखना काफ़ी हद तक हम लोगों के हाथ में होता है। कुछ चीज़ों हम फॉलो करें अपनी लाइफ में तो हम इन चीज़ों से बच सकते हैं। सो गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। मैं आपसे काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट शेयर करने वाली हूँ, जो मैं भी अपनी लाइफ में फॉलो कर रही हूँ इस टाइम पे, जो बहुत ज़रूरी भी है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। सो गाइस, सबसे पहले तो व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो ये न्यूज़ वगैरह आ रही है, ये मोस्टली फेक होती हैं। सो उन पे आपको बिलीव नहीं करना है। जितना हम उन पे बिलीव करेंगे उतनी हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी, क्योंकि उस पे बहुत अलग अलग तरह की बातें बताई जा रही हैं। सो आप इससे अच्छा है कि आप किसी ट्रस्टेड साइट पे भरोसा करो, जैसे WHO। आप WHO पे फॉलो कर सकते हो, उनकी वेबसाइट पे जाके चेक कर सकते हो, आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर मिलेगी। सुबह मॉर्निंग में उठने के बाद सबसे पहले अपने रूम की, अपने घर की विंडोज़ वगैरह ओपन कर दीजिए, जिससे सनलाइट अंदर आ पाए। सनलाइट एक नेचुरल डिसइंफेक्टेंट होता है, और ये चीज़ हमें हमेशा करनी चाहिए, अपनी हैबिट बनानी चाहिए कि उठते ही अपनी विंडोज़ वगैरह ओपन करो। मैं हमेशा ऐसे करती हूँ, और इससे क्या होता है, जो फ्रेश एयर होती है सुबह सुबह की, वो भी हमारे घर के अंदर आ पाती है। दूध और दही के जो हम पैकेट्स लेकर आते हैं, उसे आप विम लिक्विड या फिर किसी भी तरह के बर्तन मांजने वाले सोप से अच्छे से हाथ पे लगाओ, सोप को, और उस पैकेट को अच्छे से वॉश कर लो। पैकेट लीक नहीं होना चाहिए, इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है। और उसके बाद उसे रनिंग वाटर में वॉश करके फिर यूज़ करो। ग्रोसरी और एसेंशियल्स जो हमें घर के लिए चाहिए होते हैं, सब्जियाँ, फ्रूट्स वगैरह, या और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कोशिश कीजिए कि आप उसे ऑनलाइन ही शॉपिंग कीजिए। बहुत सारी साइट्स आपको मिल जाएंगी, बिग बास्केट, क्रोफर्स, अमेजोन, फ्लिपकार्ट, और भी बहुत सारी साइट्स हैं, आपको वहाँ से मिल जाएंगी ये चीज़ें। स्लॉट्स बहुत ज़्यादा बुक आ रहे हैं, इस टाइम पर फुल आ रहे हैं, तो आप क्या करो, बास्केट में चीज़ों को डाल के रखो जो आपको चाहिए, उसके बाद जैसे ही स्लॉट आता है उसे बुक कर दो। यहाँ पर इन लोगों ने मेंशन करा हुआ है कि ये लोग इस टाइम की सिचुएशन को देखकर पूरा हाइजीन को है मेंटेन कर रहे हैं। स्लॉट्स चेक करने के लिए आप बार बार साइट को ओपन करके देखते रहो। आप लैपटॉप में भी कर सकते हो ये चीज़, और अपने फ़ोन में तो आजकल आप इजीली ये सब चीज़ें कर सकते हो। फ़ोन में ऐप डाउनलोड कर लो और वहाँ से आप इजीली ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हो। इस टाइम हम जितना बाहर जाना अवॉइड करेंगे, उतना ही हमारे लिए और हमारी फैमिली के लिए और भी सब लोगों के लिए अच्छा है। जो भी इनकी साइट्स है जो मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, जिस पर चीज़ें अवेलेबल है, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से चेक कर सकते हो। नेक्स्ट, जब भी ये चीज़ें आपके घर में डिलीवर होती है, तब भी आपको ध्यान रखना है, आप मास्क लगा कर जाओ दरवाजे पे खोलने। उसके बाद जब उसको चीज़ को आप अंदर लेकर आओगे और किसी चीज़ को टच नहीं करना, उसको एक साइड में अलग से रख दो, या फिर सनलाइट के एक्सपोजर में रख दो। एक दिन के लिए उस चीज़ को यूज़ मत करो, अच्छे से हैंड वॉश कर लो, उसके बाद ही आप कुछ और काम करो घर में। नेक्स्ट, आपको अगर बाई चांस बाहर जाना भी पड़ता है कि कोई चीज़ ऐसी है जो नहीं मिल रही है और आप अवॉइड नहीं कर सकते, आपको जाना पड़ेगा, तो पूरे प्रिकॉशंस लेकर जाओ, मास्क लगा कर जाओ। अगर आपके पास ग्लव्स हैं तो ग्लव्स पहनकर जाओ। फुटवेयर्स अलग रखो, घर के बाहर के अलग रखो, घर के अलग रखो। घर में वो फुटवेयर्स, वो चप्पलें वगैरह जो भी आप पहन के जाते हो, शूज़, वो पहनकर मत आओ। और इस चीज़ को, इस सामान को अलग रखो, हैंड वॉश करो अच्छे से। इस तरह के आपको ग्लव्स वगैरह फार्मेसी शॉप्स पर मिल जाएंगे, आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हो। मास्क वगैरह अगर अवेलेबल हैं तो वहाँ से ले सकते हो। देन नेक्स्ट, हाउ टू रिमूव मास्क। मास्क उतारने से पहले हैंड्स को अच्छे से वॉश कर लो, नेल्स को, अपनी कलाइयों को, हाथों को बहुत अच्छे से 20 सेकेंड तक वॉश करना है, उसके बाद ही मास्क को रिमूव करो। कान के पीछे से आपने पकड़ के इस तरह से मास्क को रिमूव करना है, फेस के ऊपर हाथ नहीं लगाना है मास्क के ऊपर, कान से ऐसे उतारो और इसे अलग से सनलाइट में आप इसे हैंग कर दो। और बाहर से आने के बाद अपने हैंड्स, फेस और लेग्स अच्छे से वॉश करो, कपड़े चेंज करो, हो सके तो नहा लो तो और बेस्ट है। और उन कपड़ों को आप वॉशिंग मशीन में डालो वॉश करने के लिए। और वॉशिंग मशीन में जो आप कपड़े वॉश करोगे, तो आप कोशिश करो जितनी बार आप कपड़े वॉश कर रहे हो उतनी बार एक ढक्कन उस पर डिटोल डाल दो, अगर आपके पास डिटोल है। नहीं है तो आप ऐसे भी वॉश कर सकते हो। नेक्स्ट है मेडिसिन एंड फर्स्ट एड। मेडिसिन का हमारे पास सिस्टम स्टॉक रखना हमें बहुत ज़रूरी है, खासकर बुज़ुर्गों के लिए और बच्चों के लिए, क्योंकि बुज़ुर्गों की भी बहुत सारी मेडिसिन होती हैं जो बहुत ज़रूरी होती हैं। बच्चों की भी जो छोटी मोटी मेडिसिन होती हैं, लूज़ मोशंस की या फिर पेट दर्द की, कोल्ड कफ की, जो भी मेडिसिन होती हैं इंपॉर्टेंट, वो आप अपने पास रखो स्टॉक हमेशा। अगर आपको लग रहा है आप कुछ आपके पास नहीं है, ख़त्म हो गया है, तो ऑनलाइन बहुत सारी साइट्स हैं, आप उस पर चेक कर सकते हो। जो साइट्स मुझे पता है मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, आप वहाँ से भी चेक कर लेना। और अगर आपको बाहर जाना भी पड़ता है गाइस लेने, तो प्लीज़ प्रिकॉशंस लेकर जाओ।
गाइज इस टाइम पे अपना अपनी फैमिली मेम्बर्स का ध्यान हमें खुद ही रखना है। सो इससे अच्छा है प्लीज़ घर पे रहिए, फ्रेश फूड खाइए, अपना घर का बना हुआ खाना खाओ, सबका ध्यान रखो और योगा एक्सरसाइजेज वगैरह करते रहो, मेडिटेशन करते रहो, ये सब चीज़ें करते रहो ताकि हम लोग बिल्कुल बीमार ना पड़े और डॉक्टरों का चक्कर हमें ना लगाना पड़े। नेक्स्ट है वॉश वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स बिफोर स्टोरिंग। जो भी आप वेजिटेबल्स घर पर लेकर आ रहे हो, फ्रूट्स लेकर आ रहे हो, उनको अच्छे से वॉश करो, उसके बाद उसको ड्राई करो, उसके बाद ही स्टोर करो। कई लोग आजकल वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को सर्फ से या फिर सोप वाटर में वॉश कर रहे हैं। गाइस डू नॉट डू दैट, ये हमारी हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल हो सकता है क्योंकि जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं वो पोरस होते हैं, उनके अंदर ये सोप चला जाएगा और वही चीज़ हम खाएंगे तो हमें स्टमक इन्फेक्शन हो सकता है, स्टमक प्रॉब्लम हो सकती है। सो प्लीज़ कभी भी साबुन से वेजिटेबल्स और फ्रूट्स को वॉश नहीं करो। आप सही तरीका देखना चाहते हो कि आप सब्जियों को फ्रूट्स को कैसे वॉश कर सकते हो, तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे वही शेयर करने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून फॉर दैट। सो नेक्स्ट है डिसइनफेक्ट फ्रीक्वेंटली टच प्लेसेस। ऐसी चीज़ें, ऐसी जगह हमारे घर में जिसको हम सबसे ज़्यादा टच करते हैं या फैमिली में कोई भी हो सब टच करते हैं, उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है, डिसइनफेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। लाइक डोर हैंडल्स, डोर नॉब्स और स्विच बोर्ड्स वगैरह होते हैं, तो आप क्या करो उस पे इस तरह से डिसइनफेक्ट स्प्रे करो, उसके बाद उसको 5 मिनट के लिए छोड़ दो और 5 मिनट बाद उसे वाइप ऑफ करो। 5 मिनट के लिए छोड़ना बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज डिस्ट्रैक्ट करने का कोई फायदा नहीं होगा। तो 5 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दो और उसके बाद जो स्विच बोर्ड होते हैं गाइस उस पर डायरेक्ट स्प्रे कभी भी मत करना। इस तरह से आप टिश्यू पेपर पर स्प्रे करो और उससे आप स्विच बोर्ड को इस तरह से क्लीन कर सकते हो। गाइस आप देखना चाहते हो DIY डिस्ट्रैक्ट आप कैसे बना सकते हो, तो मैं नेक्स्ट आपको वही बताने वाली हूँ, सो स्टे ट्यून्ड। सो देखिए इस तरह से आपको स्प्रे बॉटल चाहिए, डिटोल चाहिए उसके लिए और उस पानी चाहिए, ये मैंने RO बॉटल लिया है। तो आप इस तरह से स्प्रे बॉटल में एक ढक्कन डिटोल डाल लो, उसके बाद मैंने अराउंड 1 से 1.5 कप इसमें पानी ऐड किया है और RO वाटर ही यूज़ करना है। उसके बाद आप इसको अच्छे से बंद कर लो और उसको शेक कर लो अच्छे से। सो ये आपका DIY डिसइनफेक्टेंट रेडी है। अभी हमारे पास जैसे डिसइनफेक्टेंट मार्केट्स में अवेलेबल नहीं है, आउट ऑफ स्टॉक है, तो इस तरह से आप डिसइनफेक्टेंट घर पे बना सकते हो। नेक्स्ट है पेमेंट मोड्स। किसी भी तरह की आप पेमेंट करते हो तो कोशिश करो कि ऑनलाइन पे करो, आप कैश बिल्कुल भी एक्सचेंज मत करो और कार्ड्स भी ज़्यादा यूज़ ना करो। सबसे अच्छा है कि आप पेटीएम, गूगल पे, इस तरह के बहुत सारी चीज़ें होती हैं लाइक वो आप यूज़ करो। सो अब है एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात, मोबाइल फ़ोन को आप सैनिटाइज कैसे कर सकते हो। हम लोग हमेशा भूल जाते हैं कि मोबाइल हमारा सबसे ज़्यादा डर्टी होता है, क्योंकि वो हम घर पे रहें या बाहर जाएं वो हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हम किसी भी तरह के हाथों से टच करते हैं, उससे भी सैनिटाइज करना बहुत ज़रूरी है। सो इसके लिए हमें चाहिए जो स्पेक्स वगैरह के बॉक्स में हमें चश्मा साफ करने वाला माइक्रोफाइबर क्लोथ होता है वो, और वेट वाइप चाहिए अल्कोहल बेस्ड। पहले आप वेट वाइप से इस फोन की स्क्रीन को धीरे धीरे बिल्कुल लाइट हैंड से, बिल्कुल हल्के हाथ से क्लीन करना स्टार्ट करो, बिल्कुल प्रेशर नहीं डालना है, बहुत ज़्यादा गीला गीला भी नहीं करना है नहीं तो फ़ोन ख़राब हो सकता है। बहुत आराम से इसे क्लीन कर दो पूरे फ़ोन को, उसके बाद इसे माइक्रोफाइबर क्लॉथ से जो है आप वाइप ऑफ कर लो। कोई और कपड़ा इसमें बिल्कुल भी यूज़ नहीं करना है गाइस, नहीं तो फ़ोन पे स्क्रैच आ सकता है या फ़ोन ख़राब हो सकता है। इस माइक्रोफाइबर क्लॉथ से ही करना, और मेरे ख्याल से ये सभी के घर में अवेलेबल होता ही है। सब आपका फ़ोन बिल्कुल अच्छे से सैनिटाइज हो गया। उसके बाद जो रिमोट होते हैं हमारे घर में, टीवी रिमोट्स होते हैं, उसको भी आप इस तरह से वाइप से अच्छे से क्लीन कर सकते हो। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं हमारे घर में जो हम सबसे ज़्यादा टच करते हैं और हमें रियलाइज़ नहीं होता कि वो कितनी डर्टी होती है, तो इसे हमेशा हमें क्लीन करते रहना चाहिए। सो अब है वॉश हैंड्स एटलीस्ट फॉर 20 सेकेंड्स। हमें हाथ जब भी वॉश करने हैं अच्छे से वॉश करने हैं और 20 सेकेंड्स के लिए वॉश करने हैं। और जब आप हैंड्स वॉश कर रहे हो, सोप लगा रहे हो अच्छे से, तो नेल्स और हैंड्स के आगे पीछे अच्छे से क्लीन करो और टैप को बंद रखो, पानी को ओपन नहीं रखना है हमें, क्योंकि हमें पानी का वेस्टेज नहीं करना है, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना है। जब आप पूरे अच्छे से हैंड वॉश कर लोगे उसके बाद ही टैप ओपन करो, और टैप के ऊपर जब हम ओपन करते हैं वहाँ पर भी आप थोड़ा सा सोप लगा दो अपने हाथ से और उसके ऊपर पानी डाल दो जब आप वॉश कर लोगे हैंड्स अपने। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ कि इसमें आपको पता चलेगा कि 5 सेकंड और 20 सेकंड हाथ धोने में क्या फ़र्क है। आप इस पिक्चर में देखो कि अगर आप 5 सेकंड तक हाथ धोते हो या 10 सेकंड तक हाथ धोते हो तो भी जितने भी जर्म्स, वायरसेस वगैरह होते हैं वो आपके हैंड्स पे रहते हैं, बट अगर आप 20 सेकंड तक या उससे ज़्यादा हाथ धोते हो तो आपके हैंड्स बिल्कुल अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। सो आपको भी यही करना है। कई लॉकडाउन 3rd मई तक एक्सटेंड हो गया है, जो बहुत ज़रूरी भी है हमारे लिए। हम जितना घर पर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे, अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ आप टाइम स्पेंड करो, स्टे होम स्टे सेफ।
सो गाइस आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। अगर वीडियो अच्छी लगे गाइस तो लाइक ज़रूर कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करो ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और वो अपनी फैमिली को और खुद को प्रोटेक्टेड और सेफ रख पाएं। और आपके पास कुछ और इंटरेस्टिंग टिप्स हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करना। सो आई विल सी यू सून इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।